हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ पीवाईक्यूज, जिसमें हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, सो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में वी हैव रीच्ड मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर से पहले वाले जितने भी टॉपिक्स है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज। एंड क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स से आ रहे हैं, कौन कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। सो आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर इटसेल्फ, एंड मुगल एम्पायर जो है उसका सेकंड पार्ट विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट हाफ, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि 2003 से पहले वाले कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। लेट्स सी कि 2003 के बाद मुगल एम्पायर से यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि 2003 के अंदर पूछा गया था, द क्वेश्चन सेज आलम खान वन ऑफ दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वॉज हु। मतलब कि देखो, आलम खान वॉज वन ऑफ द पर्सन जिसने बाबर को इनवाइट किया था जब इब्राहिम लोदी का रूल चल रहा था, इब्राहिम लोदी का, उस टाइम आलम खान और एक और पर्सन था जिसका नाम था दौलत खान। सो आलम खान एंड दौलत खान, इन्होंने कंबाइन होकर के बाबर को इनवाइट किया था भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, और इन्होंने एक्चुअली बाबर का सपोर्ट भी किया था इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर, जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वहां पर इन दोनों ने इसका सपोर्ट भी किया था। नाउ ये आलम खान एग्जैक्टली था कौन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए इज ही वॉज अ अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड अ प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। मतलब क्या वो इब्राहिम लोदी जो उस टाइम में राजा हुआ करते थे, क्या वो उनके अंकल थे? सेकेंड, ही वॉज अ कजन ऑफ इब्राहिम लोदी जिसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था। थर्ड, वॉज ही अ फादर ऑफ दिलावर खान जिसके साथ इब्राहिम लोदी ने अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं किया था, या फिर ही वॉज अ हाई ऑफिशियल इन पंजाब प्रोविंस। ये चार ऑप्शन है। देखो, आलम खान और दौलत खान, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो दौलत खान था ना, ये एक ओपोनेंट था बेसिकली इब्राहिम लोदी का, जिसने हाथ मिलाया था आलम खान के साथ, बिकॉज आलम खान जो था वो इब्राहिम लोदी का अंकल हुआ करता था, वॉज अ अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। और यहीं पर वो वाली बात आ जाती है कि जो फैमिली का अपना ही मेंबर था उसने ही एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज़ को इंस्टिगेट किया था। ही वॉज द वन हु कॉल्ड बाबर, एंड उसने ही एक्चुअली भारत के ऊपर अटैक करने के लिए उसको इन्वाइट किया गया था। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, आलम खान जो था ही वॉज अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, और आलम खान का एक और नाम है अलाउद्दीन। रिमेंबर, दिस अलाउद्दीन इज नॉट द सेम एज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाला अलाउद्दीन नहीं है ये, ही इज अ डिफरेंट अलाउद्दीन। इसके अलावा आलम खान और दौलत खान दोनों ने साथ में मिलकर इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में एक षड्यंत्र रचा था और बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए बुलाया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD के अंदर होता है, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया जाता है बाबर के फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आलम खान और दौलत खान, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है, और इन दोनों ने मिलकर के इब्राहिम लोदी की डायनेस्टी एक्चुअली खत्म करवाई थी विद द हेल्प ऑफ बाबर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2003 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज द बैटल ऑफ धर्मांत वॉज फॉट बिटवीन हुम। सो ये एक बैटल का नेम है, ये किसके किसके बीच में फाइट किया गया था ये पूछा जा रहा है। मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, बाबर एंड अफगान्स, औरंगजेब एंड दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी एंड द मराठास, किसके बीच में हुआ था ये? देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये चीज़ आपको मालूम चल जाएगा। दो बैटल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक था बैटल ऑफ धर्मांत और एक था बैटल ऑफ समूगढ़। ये दोनों ही बैटल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही बैटल्स फाइट किए गए थे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में एक वॉर ऑफ सक्सेशन के समय में। जो बेसिकली जब इनके फादर की डेथ होती है तो उसके बाद में औरंगजेब और उनके जितने भी भाई होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, दे फाइट फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब नेक्स्ट राजा बनने के लिए। तो उसी के बीच में जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में दो मेन फाइट्स हुई थी, एक हुआ था धर्मांत पे और एक हुआ था समूगढ़ पे। इसलिए दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द आंसर विल बी चार्ली। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, ये एक मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन था जैसा हमने बात की, जो कि 1658-59 के आसपास में चल रहा था, जिसमें दारा शिकोह को डिफीट कर दिया गया था भाई औरंगजेब। साथ ही जब देखो, पहले यहाँ पर बैटल ऑफ धर्मांत हुआ था, यहाँ पर जब दारा शिकोह हार गए थे तो ही वेंट ऑन टू अगेन फाइट औरंगजेब बैटल ऑफ समूगढ़ के अंदर, और बैटल ऑफ समूगढ़ के अंदर जो दारा शिकोह था और उसके जो बेटे थे सुलेमान शिकोह, इन दोनों को ही औरंगजेब ने मरवा दिया था, मतलब ही गॉट देम एग्जीक्यूटेड। सो बैटल ऑफ धर्मांत एंड बैटल ऑफ जो समूगढ़ था, दीज वर डिसाइसिव बैटल औरंगजेब के राजा बनने में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, दैट इज वाई दिस हैव बीन आस्क्ड, बिकॉज देखो औरंगजेब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है मुगल एम्पायर के लिए, और वो एग्जैक्टली थ्रोन पे कैसे आया, कौन से बैटल्स को फाइट करके आया, वो बैटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेम गोज विद द बाबर, सेम गोज विद अकबर, राइट, ये लोग कौन से बैटल फाइट करके पावर में आते हैं, थ्रोन पे आते हैं, ये बैटल्स का नेम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट वॉज अगेन आस्क्ड इन 2003. द क्वेश्चन सेज, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदार शाह रीन केम टू एन अर्ली एंड. जहांदार शाह जो था वो जब पावर में आता है तो उसका जो रीन था बेसिकली वो सिर्फ एक साल चलता है, सिर्फ एक साल तक वो पावर में रह पाता है. तो इतनी जल्दी इसका पावर खत्म कैसे हो गया, ये रीजन पूछा हुआ है. मतलब हाउ डिड हिज रीन केम टू एन एंड. पहला ऑप्शन है ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, क्या उसको खुद के वजीर ने हटा दिया था पोस्ट से. दूसरा, ही डाइड ड्यू टू अ स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स, क्या सीढ़ी चढ़ते समय उसके उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरकर मर गया, क्या ये हुआ था. नेक्स्ट, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल, क्या उसके नेफ्यू ने यानी कि उसके भतीजे ने उसको एक बैटल में हराया, या फिर ही डाइड ऑफ सिकनेस. ये चारों में से क्या हुआ था. जहांदार शाह का जो जो रीन था वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया. तो ध्यान रखना, जहांदार शाह को जो सक्सीड किया था, मतलब इसके बाद जो आया था, दैट वॉज फरूख शियार. और फरूख शियार ने बेसिकली सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर कि जो जहांदार शाह था उसको मरवाया था. ठीक है, ही वॉज किल्ड, मतलब जहांदार शाह वॉज किल्ड इन अ बैटल बाय हिज नेफ्यू. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सो जैसा आप देख सकते हैं, फरूख शियार जो था 1713 में वो पावर में आता है, और 1712 में एक्चुअली जहांदार शाह पावर में आया था, और एक साल के बाद ही फरूख शियार ने सैयद ब्रदर की हेल्प से आगरा में एक फाइट की और 1713 के अंदर इसको हरा दिया, जहांदार शाह को हरा दिया और उसकी पावर को खत्म कर दिया. ठीक है, सो द आंसर विल बी चार्ली, कि वो अपने ही नेफ्यू से बैटल में हारा गया था. सो अगर आप एक चीज यहाँ पर पैटर्न देख रहे हो यूपीएससी का, तो यूपीएससी इज टाइम एंड अगेन आस्किंग अबाउट द बैटल्स एंड इट्स रिजल्ट्स. देखो ध्यान रखना, बैटल के डेट्स कोई नहीं पूछ रहा है, बैटल्स के ईयर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, बट हाँ यू शुड हैव अ आइडिया कि क्रोनोलॉजी क्या थी, कौन सा बैटल पहले हुआ, कौन सा बैटल बाद में हुआ, उसका आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए. बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल डेट, बिकॉज यहाँ पर डेट्स नहीं पूछे जा रहे हैं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कौन सा बैटल की इंपॉर्टेंस क्या है, किस पर्टिकुलर बैटल के द्वारा क्या चीज़ एक्चुअली भारत में निर्धारित हुई थी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हामिद लाहौरी. सो एक पर्सन के बारे में पूछा गया है कि अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे वो एग्जैक्टली कौन थे हमारे हिस्ट्री के अंदर. ऑप्शन आर, ही वॉज अ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग अकबर रीन, मतलब अकबर के समय में वो एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे. अब देखो, अकबर के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे उनका नाम था तोदरमल. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ऑल राइट, सेकेंड ऑप्शन है, एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीन ऑफ शाहजहां, क्या वो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे शाहजहां के टाइम में. तीसरा, ही वॉज अ इंपॉर्टेंट नोबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ औरंगजेब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबल था अब्दुल हामिद लाहौरी. या फिर ही वॉज अ क्रॉनिकलर एंड अ पोएट ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला को बोलते हैं. ठीक है, अब देखो आपके पास ये चार ऑप्शन है, अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में आपको पता लगाना है. नो, लेट मी टेल यू अ ट्रिक कि कैसे आप इन चीज़ों को, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो हाउ कैन यू डू दिस थिंग. देखो, अब्दुल हामिद लाहौरी, इसका थर्ड वर्ड देखो लाहौरी. नॉर्मली इस टाइप के प्रिफिक्स कौन यूज करता है, ऐसे टाइप के प्रिफिक्स वो यूज़ करता है जो कि या तो एक पोएट होता है या फिर कोई राइटर होता है ना, वो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम लाहौरी, या फिर होता है ना इंदौरी. इस तरीके से जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेसिकली जो राइटर्स होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं. सो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन और एक मिलेगा पोएट. सो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर खत्म हो गए, ए एंड सी खत्म हो गए. नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड डी. सो दिस इज हाउ वॉट यू कैन डू इज, आप यू नो यहाँ पर देखो, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज आर नॉट ट्रिक्स. पहले चीज तो ये ट्रिक्स नहीं है, दीज आर सम कॉमन सेंस जिसको आपको इस्तेमाल करना है एग्जामिनेशन के अंदर. यू हैव टू फाइंड आउट वेज, आपको तरीके ढूंढने हैं आंसर को निकालने का. लाहौरी वर्ड सुनकर के इफ यू गेट अ आइडिया कि ये कोई पोएट या फिर कोई हिस्टोरियन हो सकता है, तो वहां पर हाफ ऑफ योर वर्क इज डन, बिकॉज अब आपको जो चूज करना है दैट इज बिटवीन टू, दैट इज नॉट बिटवीन फोर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर जो आपकी एमसीक्यू एप्टीट्यूड है, इस तरीके से आपको प्लान करना है. नाउ यहां पर क्या है, अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे. अब्दुल हामिद लाहौरी वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां. देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टफ नहीं था अब्दुल हामिद लाहौरी का, बिकॉज अब्दुल हामिद लाहौरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी हुई है शाहजहां के ऊपर, जिसका नाम है पादशाहनामा. सो पादशाहनामा जो किताब है ये अब्दुल हामिद लाहौरी का है, जिसके थ्रू एक्चुअली आंसर मिल जाना चाहिए था कि ये शाहजहां के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन था. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, और दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन समझाता है कि किस तरीके से अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो स्टिल यू कैन मैनेज टू एटलीस्ट यू नो स्ट्राइक आउट टू ऑप्शंस. दो ऑप्शंस को आप यहां पर हटा सकते हो, देन यू हैव टू चूज अमंग द टू. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. 2008 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है. द क्वेश्चन सेज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर, किस मुगल एम्परर के समय में डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. मतलब किस मुगल एम्परर के समय में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने अपनी पहली फैक्ट्री भारत के अंदर बनाई, कौन था वो. वॉज इट अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब.
देखो पहले तो इसमें एलिमिनेशन करो. देखो अकबर के समय में क्या कोई भी इंग्लिश ईस्ट कंपनी का पर्सन आया था? द आंसर इज नो. आया भी था तो उसको बिल्कुल जी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली थी. देखो अकबर का रीजन जो है रीन जो है वो 1556 से लेकर 1605 तक चलता है. 1600 में टेक्निकली ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिलता है, मतलब पावर मिलती है ट्रेड करने की. और जब वो भारत में आते भी हैं तो इट वॉज इन 1608 जब पहली बार थॉमस रो आते हैं जब पहली बार आते हैं भारत के अंदर. सो 1608 में आए थे, लेकिन अकबर की डेथ ऑलरेडी 1605 में हो चुकी थी. इसका मतलब है अकबर के टाइम में तो नहीं हो सकता. औरंगजेब बहुत लेट है, बिकॉज औरंगजेब तो ऑलमोस्ट यू नो जब आया था उस टाइम 1656 में आया था, और उस समय में ऑलरेडी सारे ही इंग्लिश वाले पीपल जो थे वो भारत के अंदर आ चुके थे. तो ये भी नहीं हो सकता फर्स्ट, बिकॉज देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली जो फैक्ट्री थी वो किसके दौरान बनी थी. तो आंसर विल बी या तो जहांगीर या फिर शाहजहां. जहांगीर और शाहजहां में पहले कौन आया था? इट वॉज जहांगीर. जैसे हमने बात की 1608 में पहला ब्रिटिशर आता है, उस टाइम अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर. यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा. द आंसर विल बी जहांगीर. जहांगीर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली खुद की फैक्ट्री बनाते हैं भारत के अंदर. ठीक है, द आंसर विल बी ब्रावो, दैट इज जहांगीर. ऑलराइट, देखो जहांगीर जो था उसने परमिशन दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाने के लिए 1613 में. जस्ट रिमेंबर 1613 में कौन आया था? इट वॉज विलियम हॉकिंस. ध्यान रखिएगा 1608 में थॉमस रो आता है, बट उसको परमिशन नहीं मिलती है. फिर 1613 के अंदर फाइनली विलियम हॉकिंस आता है, और विलियम हॉकिंस को यहाँ पर परमिशन मिलती है सूरत के अंदर फैक्ट्री को बनाने की. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, इसके अलावा 1650 में थॉमस रो जो फिर से आता है, और यहाँ पर वो एक एम्बेसडर बनकर आता है, और उसको एक फरमान मिलता है कि जितना भी मुगल एम्पायर है पूरे मुगल एम्पायर में वो अपनी फैक्ट्रीज बना सकते हैं. बट जस्ट रिमेंबर पहली फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 में. ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहां पर बनी थी? मसूलीपट्टनम में. जस्ट रिमेंबर मछलीपट्टनम बोलते थे इसको पहले, अभी के टाइम में इसको मसूलीपट्टनम बोला जाता है. वंस अगेन, नॉर्दर्न इंडिया या फिर पूरे इंडिया में पहली फैक्ट्री सूरत में, साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ये ब्रिटिशर्स का ओवरऑल ये है, मतलब ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, जो कि 2009 के अंदर पूछा गया था, द क्वेश्चन सेज With whose permission did the English set up their first factory in Surat? So if you understand, this is the exact replica of this question. जो पिछले साल 2008 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका 2009 के अंदर पूछा गया था. यहाँ पूछा गया किस मुगल एम्परर के दौरान पहली फैक्ट्री बनी थी? ब्रिटिशर्स की. यहाँ पूछा गया किसके परमिशन से पहली फैक्ट्री बनी थी सूरत में? द आंसर विल बी ऑब्वियसली द सेम, दैट इज जहांगीर. जहांगीर के परमिशन से यहाँ पर पहली फैक्ट्री बनती है सूरत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. ठीक है, जहांगीर था, पहली फैक्ट्री बनी सूरत के अंदर. जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होता है 1600 में फॉर्म हुआ था, उस टाइम उसको सिर्फ 21 साल तक मोनोपोली का परमिशन मिला था. याद रखिएगा क्वीन एलिजाबेथ ने जो परमिशन दी थी दैट वाज फॉर 21 इयर्स ओनली. लेकिन 1613 में जब सर थॉमस रो आते हैं उस समय बेसिकली जो जहांगीर थे जहांगीर से परमिशन मांगते हैं, और वहां से फिर एक्चुअली ब्रिटिशर्स की जो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट सेम रेप्लिका दो डिफरेंट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं, एंड दिस कैन एक्चुअली हैपन. ठीक है, यूपीएससी के अंदर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 2014 के अंदर. द क्वेश्चन सेज इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशंस महातरा एंड पत्ता किला वर यूज फॉर वॉट. सो महातरा और पत्ता किला क्या थे एग्जैक्टली मिडिवल इंडिया के अंदर? वर दे मिलिट्री ऑफिसर्स? वर दे विलेज हेडमैन? वर दे स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स? या फिर देवर चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स? ठीक है, सबसे पहले चीज देखते हैं डी ऑप्शन, चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स. इनको क्या बोला जाता था? देवर कल्डेस नगरा, देवर कल्डेस श्रेणीज. ठीक है, तो इनको नगर या फिर श्रेणी बोला जाता था, मतलब कि महातरा या फिर पत्ता किला तो इनको डेफिनेटली नहीं बोला जाता था. ऑलराइट, अब डी ऑप्शन हट गया. अब देखो अगर आप पत्ता किला की बात करो, पत्ता किला को ब्रेक करो, पत्ता किला में है पत्ता प्लस किला. किला वर्ड जो है वो लैंड के लिए इस्तेमाल होता है. किला मतलब कितने किले हैं आपके पास, और पत्ता का मतलब होता है हेड. सो हेड ऑफ द लैंड, हेड ऑफ द लैंड देखो इनमें से कौन हो सकता है? क्या मिलिट्री ऑफिसर्स हेड ऑफ द लैंड होंगे या फिर विलेज हेडमैन इनमें से मतलब लैंड के हेड होंगे? द आंसर विल बी विलेज हेडमैन. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. यहां पर पत्ता किला वर्ड को ब्रेक करने पर यू विल गेट अ वर्ड कॉल्ड किला. किला का मतलब होता है लैंड, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस एज एंड व्हेन यू विल रीड मिडिवल हिस्ट्री. जब आप पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री को तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कुछ वर्ड्स की जो मीनिंग है ना वो आपको समझ आ जाएंगे. ठीक है, सो यहां पर क्या होगा आंसर? विलेज हेडमैन. तो एज आई टोल्ड यू, देखो जो विलेज हेडमैन था उसको कम्युनिटी का लीडर माना जाता था, और जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड था इसका ओनर जो था वो खुद वो विलेज हेडमैन हुआ करता था. अब ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं महातरा एंड पत्ता किला. महातरा याद रखना ये वर्ड नॉर्दर्न इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था, और पत्ता किला जो है वेस्टर्न इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, महाराष्ट्र गुजरात के रीजन के अंदर. ठीक है, सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन यहां पर महातरा और पत्ता किला के बारे में पूछा गया था. ठीक है, लेट्स मूव अहेड.
मुगल एम्पायर का एक और क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी क्या था। फतेहपुर सिकरी में बेसिकली एक इबादत खाना बनाया गया था अकबर के द्वारा। सो एग्जैक्टली ये था क्या? वॉज इट अ मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, यानी कि एक मस्जिद थी जिसको सिर्फ रॉयल फैमिली इस्तेमाल कर सकती थी, या फिर अकबर का प्राइवेट चैम्बर हुआ करता था प्रेयर के लिए, या फिर इट वॉज अ हॉल जिसमें अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन्स, मतलब एक बड़ा सा हॉल था जिसमें अकबर जो है वो हर एक धर्म के लोगों के साथ बैठ करके डिस्कशंस किया करते थे, या फिर ये एक ऐसा रूम था जिसके अंदर जो नोबल्स थे, नोबल्स अलग अलग रिलीजन्स के, वो लोग बैठ करके आपस में बातचीत किया करते थे। देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हट गया, अगर आप नाम ही देखते हो तो इबादत खाना है, इबादत का मतलब होता है प्रेयर और खाने का मतलब होता है प्लेस, सो इट इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर्स। सो पहला और दूसरा यहाँ पर इसलिए हट गया बिकॉज समझो अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, मतलब हर एक धर्म को वो इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। सो अगर वो सबको इक्वली रिस्पेक्ट करते थे तो वो अपने लिए अलग से मॉस्क डेफिनेटली नहीं बनवाते थे, ठीक है। ही यूज टू गो टू शेख निजामुद्दीन औलिया और जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन सब की दरगाहों पर जाया करते थे इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब ऐसा नहीं था कि वो अपने लिए प्राइवेट मॉस्क बनवा रहे थे, ठीक है। सेकंड, उनका खुद का कोई प्राइवेट चैम्बर प्रेयर नहीं था, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। दो चीज़ें बचती हैं यहाँ पर इबादत खाना में, या तो एक ऐसा हॉल था जिसमें अकबर डिस्कशन करते थे स्कॉलर्स के साथ में, या फिर एक ऐसा रूम था जिसमें नोबल्स आपस में ही डिस्कशन कर लेते थे। आंसर इज चार्ली, अकबर डिस्कशंस करते थे अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लोगों के साथ में, उनके स्कॉलर्स के साथ में। ये फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था 1575 AD के अंदर में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अकबर खुद सेलेक्ट करते थे कि किस पर्टिकुलर धर्म से कौन कौन लोग आएंगे उनके साथ डिस्कशन करने के लिए, और वहां पर बैठ करके वो लोग स्पिरिचुअल थीम्स के ऊपर डिस्कशन किया करते थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। 2015 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर, जब बाबर भारत में आते हैं 1526 में, 1526 में ऑफ इंडिया, लेट टू व्हाट, उसके कारण क्या हुआ। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, क्या गन पाउडर का इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर, क्या आर्क एंड डोम का इंट्रोडक्शन होता है। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। नो समझो, क्या गन पाउडर का जो इंट्रोडक्शन था वो बाबर ने किया था। आंसर इज नो। देखो आपको याद होगा मंगोल्स ने भारत पे हमला किया था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान उस टाइम कॉल थे इल्तुतमिश हुआ करते थे उस टाइम में मंगोल्स, जिसमें चंगेज खान हुआ करते थे। चंगेज खान ने भारत पर अटैक किया था, और जब वो इंडिया पर अटैक किए थे ना उस टाइम वो गन पाउडर को साथ में लेकर आए थे। सो भारत के अंदर अगर हम बात करें कि गन पाउडर को किसने इंट्रोड्यूस किया है, द आंसर विल बी मंगोल्स, नॉट बाबर, पहली चीज तो। सेकेंड, क्या आर्क एंड डोम ये पहली बार बाबर लेकर आया था। देखो आर्क एंड डोम अगर आप ध्यान से समझो तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, मतलब इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है जो भारत में बाद में इंटीग्रेट हो गया। तो क्वेश्चन कम्स, क्या ये बाबर लेकर आए थे या फिर बाबर से पहले भी कोई इस्लामिक रूल यहाँ पर ऑलरेडी रह चुका था। आंसर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने ऑलमोस्ट 400 साल तक भारत के अंदर राज किया था। सो ऑब्वियसली अगर 400 साल तक दिल्ली सल्तनत राज करता है तो वो डेफिनेटली आर्क एंड डोम्स को भारत के अंदर लेकर आएगा, यानी कि जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक जो बेसिकली आर्किटेक्चर है उसको डेफिनेटली वो भारत के अंदर लेकर आएगा। सो वंस अगेन, बाबर के कारण ये आर्क एंड डोम नहीं आया था, रादर दिल्ली सल्तनत के दौरान ही ये चीज़ें आ चुकी थी भारत के अंदर, ठीक है। सो गन पाउडर मंगोल्स लेकर आए थे, बाबर लेकर नहीं आए थे। आर्क एंड डोम्स दिल्ली सल्तनत लेकर आए थे, मुगल्स लेकर नहीं आए थे। एंड द थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी, क्या बाबर तिमुरिड डायनेस्टी से बिलोंग करता था। द आंसर इज येस। देखो ध्यान रखना, बाबर जो है एक तरफ मंगोल्स और एक तरफ तिमुरिड्स, इन दोनों का डिसेंडेंट हुआ करता था, ठीक है। तो तिमुरिड जब डायनेस्टी जब यहां पर आती है, भारत के अंदर आती है, और बाबर जब आते हैं तो ऑब्वियसली वो भारत के अंदर एक तिमुरिड डायनेस्टी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि मुगल्स जो थे दे वर एक्चुअली हाफ तिमुरिड्स एंड हाफ मंगोल्स, तो जब भारत के अंदर आते हैं तो वो मंगोलियन तिमुरिड डायनेस्टी का फॉर्मेशन भारत के अंदर करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक्चुअली फिर से रिपीट हो सकता है इफ यूपीएससी इंटेंड्स टू, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर। देखो बाबर जो था वो डिसेंडेंट था तिमुरिड डायनेस्टी का, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो बेसिकली गन पाउडर था पहली बार मंगोल्स उसको लेकर आते हैं, ठीक है। सो मुगल से काफी पहले ही गन पाउडर भारत के अंदर आ चुका था। नेक्स्ट है कि जो इंडियन आर्किटेक्चर में आर्क एंड डोम का कंसेप्ट है वो बेसिकली मोहम्मद गौरी के समय में आ गया था। मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत का पार्ट थे, और जब टर्क्स ने भारत पे हमला किया था, टर्क्स कौन थे, वही थे मोहम्मद गौरी एंड ऑल, तो ये लोग जब भारत पे हमला करते हैं उसी समय में ये सब चीज़ें भारत में आ चुकी थी। सो बाबर का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा जाता है, एंड द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, जस्ट रिमेंबर इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात कर रहा है, व्हाट डज द वर्ड अरघता मीन्स, अरघता का मतलब क्या है।
वॉज इट अ बॉन्डेड लेबर, वॉज इट द लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, वॉज इट अ वाटर व्हील यूज इन द इरीगेशन ऑफ लैंड, क्या ये वाटर व्हील था, क्या ये वेस्ट लैंड था कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। अराघाता का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? नाउ अराघाता को अगर आप ब्रेक करते हो तो अरा का मतलब होता है स्पोक्स, स्पोक्स, देखो अरा का मतलब होता है स्पोक्स एंड घाता का मतलब होता है यहां पर पॉट। सो एक ऐसा पॉट, एक ऐसा बेसिकली पॉट है जिसमें स्पोक्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो देखो अब ध्यान से देखो क्या है ऐसा जिसमें स्पोक्स की जरूरत आपको पड़ेगी। स्पोक्स आई होप आप समझ रहे हैं। देखो जैसे अगर आप अभी अशोक स्तंभ देखोगे भारत का तो उसके अंदर ये जो देखते हो ना आप, ये जो लाइन्स बनी होती है दीज आर कॉल्ड स्पोक्स, ठीक है। तो देखते हैं इनमें से क्या है जिसमें स्पोक्स से काम आएगा। क्या बॉन्डेड लेबर को स्पोक्स के साथ कनेक्शन है? द आंसर इज नो। क्या लैंड ग्रांट्स को कनेक्शन है? नो। क्या वाटर व्हील कनेक्शन है? द आंसर इज यस। देखो एक वाटर व्हील है जो कुछ इस तरीके से होगा जो कि घुमाया जाता है कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है, और उससे लैंड इरीगेशन होता है। तो आंसर विल बी वाटर व्हील। अगर आपको अराघाता का वर्ड का मीनिंग पता होगा या फिर अरा वर्ड का मीनिंग पता होगा कि इसका मतलब होता है व्हील्स, ठीक है, या फिर स्पोक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर चार्ली, दैट इज सी, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। देखो अराघाता को पर्शियन व्हील भी बोला जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता था लैंड इरीगेशन करने में। अरा का मतलब होता है स्पोक, घाता का मतलब होता है पॉट, यानी कि एक ऐसा पॉट जिसके अंदर स्पोक्स लगे हुए हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस। ये कुछ ट्रैवलर्स के नेम्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जिसने डायमंड्स के बारे में बात की थी? वॉज इट फ्रैंकोइस बर्नियर, वॉज इट जीन बैप्टाइज्ड ट्रेवर्नियर, वॉज इट जीन डी थेवेनेट, या फिर इट वॉज अबे बार्थलिनी कैरी। नाउ देखो अगर आप नितिन सिंघानिया में जाएंगे, नितिन सिंघानिया, उसमें लास्ट में एक चैप्टर है अबाउट फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर, फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ अराउंड यू नो अराउंड 50 ट्रैवलर्स के आपको लिस्ट मिल जाएंगे। उस 50 में से अराउंड 25 के आपको वहां पर यू नो इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। नाउ यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस 50 के लिस्ट, बट यू कैन गो टू थ्रू 20 से 25 की जो लिस्ट बनी हुई है वहां पर कि एग्जैक्टली कौन सा जो ट्रैवलर है वो किस समय में आया था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है उस समय में। तो अगर आप इसको ध्यान रखते हैं ना तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि जो डायमंड्स के बारे में बात करता है द आंसर इज जीन बैप्टाइज ट्रेवर, ठीक है। और जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर ने एक्चुअली भारत के अंदर एक ब्लू डायमंड को खोजा था जो जाकर उसने बाद में इंग्लैंड के अंदर बेच दिया था, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, सो हु वॉज द वन जिसने डायमंड के बारे में बात की थी? द आंसर इज जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर। ऑलराइट, ठीक है, ये एक फ्रेंच मर्चेंट था बेसिकली जिसने ब्लू डायमंड की खोज की थी भारत के अंदर, जो जाकर उसने इंग्लैंड के अंदर सॉरी फ्रेंच के अंदर जाकर लुइस द 14th को उसने बेच दिया था वो पर्टिकुलर ब्लू डायमंड। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019। द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जिसने मैन्युस्क्रिप्ट से चेंज करके इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पर ध्यान लेकर आया। मतलब किससे पहले जितनी पेंटिंग्स वगैरह राइटिंग्स वगैरह हुआ करती थी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे हुआ करती थी और उसके बाद में इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स बनने लगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, देखो जो पेंटिंग है ना मुगल में, मुगल्स की जो पेंटिंग्स है इट स्टार्टेड ड्यूरिंग अकबर। ध्यान रखना है अकबर के समय में स्टार्ट हुआ था, लेकिन टॉप पे पहुंचा किसके टाइम में? टॉप पे पहुंचा जहांगीर के टाइम में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, पेंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब भी आप पेंटिंग की बात करते हैं तो जहांगीर वॉज द वन जो सबसे टॉप पे था, और जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो शाहजहां वॉज एट द टॉप, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। देखो हुमायूं जो था बाबर का बेटा था, हुमायूं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाया था जो अकबर के फादर थे, और हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी? यानी कि सीढ़ियों से गिर के, ठीक है, बेसिकली वो स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहे थे और वहाँ पैर फिसला था उनका एंड ही एक्चुअली ट्रिप्ड और उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। सो हुमायूं कि बहुत ज़्यादा यू नो टाइम नहीं मिला उनको आर्ट एंड कल्चर के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का। अकबर जब आते हैं तो अकबर ने पेंटिंग्स के ऊपर इंपॉर्टेंस शो की, मतलब अकबर ने पेंटिंग्स को काफ़ी, पेंटिंग को, रिलीजन्स को, सॉन्ग्स को, आर्ट एंड कल्चर को बेसिकली ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड किया। बट द मेन पर्सन जिसने पेंटिंग को बढ़ावा दिया इट वॉज जहांगीर, और द मेन पर्सन जिसने आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया दैट वॉज शाहजहां। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स के बारे में, मतलब पेंटिंग के बारे में। द आंसर विल बी जहांगीर, दैट इज चार्ली, ठीक है, जस्ट रिमेंबर। सो जैसे मैंने आपको बताया मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग अकबर, 1560 के आसपास में पेंटिंग का जो कंसेप्ट था वो स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टिंग में बैटल्स, हंटिंग सीन्स, वाइल्ड लाइफ पोर्ट्रेट्स ये सब किए जाते थे, बट ये बड़े बड़े मैन्युस्क्रिप्ट्स पे किए जाते थे। लेकिन जहांगीर जब आते हैं तो जहांगीर ने क्या किया, वो पेंटिंग का साइज छोटा किया, ठीक है, उसने पेंटिंग्स अपनी खुद की लाइफ पे बनवाने स्टार्ट किए, कोर्ट सीन्स वगैरह बनवाने स्टार्ट किए, अपने इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स बनवाने स्टार्ट किए, अपने यू नो जितने क्वींस थी उन सबकी पोर्ट्रेट्स बनवाना स्टार्ट किया, राइट। सो इस तरीके से जहांगीर जो था उसने कंसेप्ट लेकर आया इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स का। आई होप
दिस इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2019 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है. द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जागीरदारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम के बीच में एक डिफरेंस पूछा गया. समझते पहले थोड़ा सा. जमींदारी सिस्टम क्या था. एक लैंड है, लैंड का ओनर आपको बनाया गया है जिसमें आपको कुछ काम दिए गए हैं. जैसे पहला चीज तो आपको बोला है रिवेन्यू कलेक्ट करो और ये कलेक्ट करके क्या करना है, ये पैसे जमा करा दो तुम ट्रेजरी के अंदर, मतलब सरकार को जो किंग है उसको जमा करा दो पहली चीज तो. दूसरा, जहां का आपको लैंड ओनर बनाया गया है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, ठीक है, ये दूसरा. और तीसरी चीज बोली गई जमींदार को कि आपको एक आर्मी मेंटेन करनी है और जब भी किंग उस आर्मी का को मंगाएगा तो वो आर्मी लेकर के किंग के पास पहुंच जाना है. सिंपल वर्ड्स में तो जमींदार के तीन मेन काम थे. पहली चीज तो लैंड ओनर बनाया गया जिसमें आपको रिवेन्यू कलेक्ट करके वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, किंग तक पहुंचाना है. दूसरा, आपको उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है. और तीसरा, एक आर्मी बनानी है जिसको आपको डिस्पोजल पे रखना है किंग के, मतलब जब राजा बोलेगा तब आपको वो आर्मी लेकर के उनके पास पहुंच जाना है. ये था जमींदारी सिस्टम. नाउ सेकंड है जागीरदारी सिस्टम. जागीरदारी सिस्टम में वर्ड आता है जागीरदार. जागीर वर्ड का मतलब क्या है. देखो, पहले के टाइम में जो बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स हुआ करते थे, जो मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, उनको सैलरीज नहीं मिलती थी. बट सैलरी के बदले में उनको लैंड मिल जाया करता था जिस लैंड पे वो रिवेन्यू लगा सकते थे, ठीक है, टैक्स लगा सकते थे और वो टैक्स बेसिकली वो खुद इस्तेमाल कर सकते थे. मतलब कि जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा जागीर्स में वो बेसिकली उनको जमींदार की तरह जमा नहीं कराना है. पहली चीज़ तो रिवेन्यू कलेक्शन को जमा नहीं कराना है ट्रेजरी के अंदर. ये जो पैसा आएगा ये उनका खुद का पैसा होगा. तो समझते हैं जागीरदार कौन से थे. पहली चीज तो ये बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स या फिर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे जिनको लैंड मिलता था सैलरी के बदले में. मतलब सैलरी नहीं मिलती थी, रादर लैंड मिलता था, जिसके कारण लैंड मिलने के कारण जो भी पैसा यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्शन होता था वो सारा इनका खुद का पैसा होता था, कहीं पर भी इनको जमा नहीं कराना होता था, ठीक है. और इनका मेन काम सिर्फ और सिर्फ यही होता था कि उसको उस पर्टिकुलर एरिया का आपको जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना है. इसके अलावा ना ही आपको वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ना ही आपको वहाँ पर आर्मी मेंटेन करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है. आपको बस वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन करना है और आपको वो खाना है, ठीक है. अब देखो एक चीज़ और, जो जमींदारी सिस्टम था ये एक हेरिडिटरी सिस्टम था. मतलब अगर एक पर्सन बन गया तो उसका बेटा नेक्स्ट जमींदार बनेगा, उसका बेटा नेक्स्ट जमींदार बनेगा, उसका बेटा नेक्स्ट जमींदार बनेगा. इसलिए ये एक बहुत ही ऑप्रेसिव सिस्टम था, बहुत ही ऑप्रेस किया जाता था. बिकॉज जो एक बार जमींदार बन जाता था उसको पावर से हटाना बहुत मुश्किल था. जागीरदारी सिस्टम हेरिडिटरी नहीं थी, ध्यान रखिएगा. जागीरदारी सिस्टम एक ऐसी थी कि जब तक आप जीवित हो तब तक आपके पास वो लैंड है, जब आपकी डेथ हो गई तो वो लैंड वापस किंग के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ जमींदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम में आपको मेन डिफरेंसेस क्लियर हो गए. अगर आपको नहीं हुए तो एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिएगा इसको, जस्ट गो अ फ्यू सेकंड्स बैक एंड आपको ये सारी की सारी डिफरेंसेस जो है जमींदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम दोनों ही मुगल्स के समय में आए थे और दोनों को ही अकबर लेकर आए थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलता है जागीरदारी और जमींदारी डिफरेंस में, जमींदारी सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है. पहला, जागीरदार्स दे वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन लिव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज. क्या जागीरदार्स को पुलिस ड्यूटी और जुडिशियल ड्यूटी के बदले में लैंड मिलती थी. दैट इज करेक्ट. पहला पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि उनको लैंड मिलता था बिकॉज वो कुछ कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती थी तो बदले में लैंड मिलती थी, राइट. वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रिवेन्यू राइट्स, मतलब जमींदार जो थे उनको लैंड पे रिवेन्यू राइट्स मिलते थे विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन द रिवेन्यू कलेक्शन. बट बोल रहा है कि जमींदार को रिवेन्यू कलेक्शन के अलावा कुछ और नहीं करना पड़ता था लैंड पे, क्या ये सही है. द आंसर इज नो. देखो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट सही है बट सेकंड पार्ट गलत है, इसका कारण ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया. तो क्यों सही नहीं है. बोलता है कि किसी ये जमींदार को कुछ और करना ही नहीं होता था रिवेन्यू कलेक्शन के अलावा. बट द आंसर इज नो ना. आंसर था कि इसको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है, उसको आर्मी भी मेंटेन करना होता है उसी एरिया के अंदर, राइट. सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार, जागीरदार को जो लैंड मिल रहा है दैट वाज हेरिडिटरी और जो रिवेन्यू राइट्स थे जमींदार के दैट वाज नॉट हेरिडिटरी. देखो ये उल्टा हो गया. लैंड असाइनमेंट्स जागीरदार को मिलता था या फिर जमींदार को मिलता था. ध्यान रखिएगा लैंड असाइनमेंट्स मिलते थे जमींदार को, जागीरदार को मिलते थे रिवेन्यू राइट्स, सिर्फ वो वहां के रिवेन्यू खा सकता था. और क्या जागीरदार हेरिडेटरी थी. द आंसर इज नो. जमींदार हेरिडेटरी हुआ करती थी. तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. द आंसर विल बी डेल्टा. ठीक है. ऑलराइट. सो आई होप आपको जागीरदारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम में मैंने ऑलरेडी डिफरेंस समझा दिया है. वन सेकंड देख लीजिए. जमींदारी सिस्टम के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. जो होल्डर ऑफ द लैंड है उसको बेसिकली जमींदार बोला जाता है, पहले चीज तो. दूसरा, ये एक हेरिडेटरी राइट है. तीसरा, इसका मेन एम है कलेक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवेन्यू, ये पहला राइट है. दूसरा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और तीसरा, ट्रुप्स मेंटेन करना है जो कि राजा जब भी मंगाएगा उसको जाकर ट्रुप्स देकर आना है.
ये मेन काम था यहाँ पर जमींदारी सिस्टम का। अब बात करते हैं जागीरदारी सिस्टम की। तो जागीरदारी बेसिकली राजा के वो ऑफिशियल्स थे जिनको लैंड गिफ्ट किया जाता था राजा के द्वारा सैलरी के बदले में। ये जो लैंड है वो नॉन इनहेरिटेबल है कि आप उसको अपने बेटे पोते को नहीं दे सकते हो पहले चीज़ तो, और वो लैंड उतने के बराबर होती थी जितना उसकी फीस है, जितनी उसकी सैलरी है। मतलब लेट्स से कि किसी पर्सन को 10,000 रुपये देने हैं सैलरी में पर साल, तो उसको ऐसा लैंड दिया जाता था जिसका रेवेन्यू अराउंड 10,000 के पास आसपास में है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड डिवाइड किया जाता था। नाउ जागीरदार सिर्फ राइट टू क्लेम द रेवेन्यू रखते थे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर आर्मी का कोई भी राइट्स नहीं रखते थे। आई होप दिस वन इज क्लियर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जागीरदार वर्सेस जमींदार का टॉपिक। इट कैन बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 88 2019 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू मियां तानसेन, मियां तानसेन जो कि अकबर के कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंगर थे और नवरत्न में से एक थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोलता है तानसेन वॉज गिवन द टाइटल, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्परर अकबर। क्या तानसेन एक ऐसा टाइटल था जो कि उनको अकबर ने दिया था? सेकेंड, तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, क्या उन्होंने ध्रुपद राग बनाए थे हिंदू गॉड और गॉडेसेस पे? थर्ड, तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, क्या वो अपने पैटर्न्स यानी कि जो अकबर थे या फिर जो बाकी राजा थे जिन्होंने उनको पैट्रोनेज प्रोवाइड की थी, क्या उनके ऊपर वो सॉन्ग्स बनाते थे? नेक्स्ट, तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग, बहुत सारे राग उन्होंने इन्वेंट किए थे। देखो इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो तानसेन ने क्या बहुत सारे राग बनाए थे? द आंसर इज यस, तो ये आंसर हो नहीं सकता बिकॉज हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट, राइट, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ऑलराइट, सो पहला स्टेटमेंट सही है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। दूसरा बोलता है तानसेन ने बहुत सारे सॉन्ग बनाए थे पैटर्न्स के ऊपर। तो देखो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी अगर सॉन्ग राइटर होगा, कोई भी यानी म्यूजिशियन है, तो जो भी पर्सन उसको पैटर्नेज प्रोवाइड करता है, जो उसको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको कोर्ट में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर तो गाने बनाएगा ही। तो तानसेन क्या पैटर्न्स के ऊपर बनाए थे? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली बनाए हैं। थर्ड, क्या उन्होंने ध्रुपद राग बनाए हिंदू गॉड और गॉडेसेस पे? देखो तानसेन जो थे वो अकबर के कोर्ट में थे, अकबर में कोर्ट में होने के कारण वहां पे इस्लाम फॉलो होता था। क्या इस्लामिज्म के एनवायरमेंट में उन्होंने हिंदू गॉड्स के ऊपर कभी ध्रुपद बनाया है? द आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज अकबर वॉज अ टॉलरेंट किंग, ही वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, उसने रिलीजन के अगेंस्ट या फिर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है। सो ही अलाउड तानसेन टू कंपोज ध्रुपद, तो ये भी सही हो गया। ऑब्वियसली तीनों स्टेटमेंट सही है, द आंसर विल बी अल्फा, बिकॉज अल्फा इज रॉन्ग होगा। बोल रहा है कि तानसेन का एक ऐसा टाइटल था जिसको अकबर ने दिया था? द आंसर इज नो। देखो समझो, तानसेन का पहली चीज तो असली नाम क्या था? इट वॉज रामतनु पांडे, रामतनु पांडे से उसका नाम तानसेन पड़ा था। तानसेन का टाइटल उसको दिया किसने था? इट वॉज राजा विक्रमजीत सिंह ऑफ ग्वालियर। सो अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो काम किया करते थे, ही यूज टू वर्क फॉर राजा विक्रमजीत सिंह ऑफ ग्वालियर, वहां से वो तानसेन जो है मुगल्स कोर्ट में आते हैं और यहां पर उनको नवरत्न बनाया जाता है, ठीक है, 1562 के अंदर। लेकिन उससे पहले वो राजा विक्रमजीत के यहाँ पे रहते थे और यहीं पर उनको तानसेन की उपाधि दी गई थी उनके द्वारा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दिस इज क्लियर। ऑलराइट, यहाँ पर इसका ठीक है द आंसर विल बी अल्फा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ साइज। साइज के टर्म्स में आपका सीक्वेंस पूछा है, तीन चीज़ें दी गई हैं, परगना सरकरा सूबा, सॉरी परगना सरकार एंड सूबा, ठीक है। तो परगना सबसे बड़ा है, फिर सरकार है, फिर सूबा है, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। समझो मुगल्स के दौरान में, मुगल एम्पायर के दौरान में किंग सबसे टॉप पे होता था, ठीक है। किंग यानी कि किंग संभालता था पूरे के पूरे स्टेट को, पूरे राज्य को। अब जो ये बड़ा सा स्टेट था ना, ये प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। इस प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था? सूबा, सूबा। और सूबा को कौन संभालता था? इट वॉज संभालिक बाई सूबेदार्स, इसको संभाला जाता था सूबेदार्स के द्वारा। सो सबसे बड़ा कौन सा टाइटल हो गया? सूबा। तो देखो सूबा सबसे बड़ा है, ठीक है, दो जगह पर सूबा सबसे बड़ा दिया हुआ है। नाउ सूबास को डिवाइड किया जाता था छोटे छोटे सरकार्स में, ठीक है, जैसे मेंबर सरकार्स में इसको डिवाइड करते थे। सरकार जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था, ठीक है, सरकार्स। और सरकार डिवाइड किया जाता था परगनास के ऊपर, परगनास जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस था, सिंपल वर्ड में ग्रुप ऑफ विलेजेस आर कॉल्ड एज परगनास। अब समझो, आई होप इट इज क्लियर कि परगना सबसे छोटा है ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसके बाद था सरकार, देन कम सूबा। द आंसर विल बी अल्फा, ठीक है। सो दिस वाज कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन, बिकॉज सूबा वर्ड आप सुनते ही समझ जाओगे कि ये बड़ा प्रोविंस है, ठीक है, सरकार उससे छोटा होता है, परगना सबसे छोटा होता है। जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ऑर्डर्स पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, आपसे यहां तक कि ऑर्डर ऑफ द पोस्ट भी पूछा जा सकता है कि लेट्स से कि मंत्री परिषद था, एक मंत्रा परिषद था,
ठीक है, एक ये मॉरियंस के टाइम में हुआ करता था, मंत्रिपरिषद और मंत्रा परिषद, इन दोनों में से बड़ा कौन था? तो रिमेंबर, जो मंत्रिपरिषद था वो मंत्रा परिषद से छोटा था, तो मंत्रा परिषद जो था वो बड़ा था एज कम्पेयर टू मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि मुगल से पूछा गया था 2022 के अंदर, दैट वॉज योग वशिष्ठ, ये किताब का नाम है योग वशिष्ठ, इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था बाई निजामुद्दीन पानीपति। तो क्वेश्चन कम्स पर्शियन में, क्यों? ध्यान रखिएगा मुगल्स का जो कोर्ट लैंग्वेज था दैट वॉज एक्चुअली पर्शियन, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज था, और योग वशिष्ठ एक किताब थी जो कि संस्कृत के अंदर किताब थी, उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में बाई निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ होम। किसने ये चीज़ करवाई थी? ये पानीपति। ठीक है, अब देखो योग वशिष्ठ एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको रामायण माना जाता है, रामायण। ठीक है, अब योग वशिष्ठ को महारामायण कहते हैं या फिर इसको वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं, ये ओरिजिनल में था। देखो वशिष्ठ, आपको पता होगा वशिष्ठ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेज हुआ करते थे, संत हुआ करते थे। योग वशिष्ठ का सीधा सा मतलब है ऐसे वशिष्ठ जिन्होंने योग के बारे में काफी चीज मेंशन किया। योग यहाँ पर धर्म के बारे में बात कर रहा है और धर्म यहाँ पर रामायण के बारे में बात कर रहा है। सो योग वशिष्ठ एक्चुअली रामायण के बारे में बात करता है कि हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन वॉज एबल टू फुलफिल हिज फादर्स डिजायर, और कैसे उसने अपने धर्म पर चलने के लिए सब कुछ त्याग दिया, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर किताब के अंदर मेंशन है। पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया भाई निजामुद्दीन पानीपति, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेशन किसने किया था। एंड नेक्स्ट चीज, किसके दौरान हुआ था? तो अब आपको देखो, आपको ये चीज पता होने की जरूरत नहीं है कि किसने किया था, यू जस्ट नीड टू नो कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जो कि रिलीजियसली इतना टॉलरेंट था कि वो किसी दूसरे लैंग्वेज की किताब को अपने लैंग्वेज में करवा रहा है सो दैट ही कैन रीड एंड ही कैन यू नो पास इट ऑन टू हिज पीपल। ऐसा कौन सा राजा था, इतना टॉलरेंट राजा कौन सा था? द आंसर इज अकबर, एंड यू विल अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली गेट इट। देखो हर चीज को आपको याद नहीं करना होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, राइट? यू नीड टू यू नो यूज सम सेंस इनटू समथिंग। कॉमन सेंस को आप इस्तेमाल कीजिए, अपने लॉजिक को इस्तेमाल कीजिए, जस्ट यूज योर डिडक्शन कैपेबिलिटीज एंड वहां से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो योग वशिष्ठ एक महान रामायण या फिर वशिष्ठ रामायण की किताब है जिसको निजामुद्दीन पानीपति ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अकबर के कहने पे, जस्ट रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह, माना जाता है कि इन तीनों ने ही इस पर्टिकुलर किताब को मल्टीपल टाइम्स पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अकबर, सबसे पहले अकबर ने, उसके बाद जहांगीर ने, और उसके बाद औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने, इन तीनों ने ही इस चीज को करवाया था। नाउ जब पर्शियन में वो ट्रांसलेट हो गया तो उसका नाम क्या आया? योग वशिष्ठ का नाम चेंज हुआ, पर्शियन में उसका नाम है जुग वशिष्ठ। ठीक है, सो योग वशिष्ठ का नाम होता है जुग वशिष्ठ, तो वशिष्ठ वर्ड को आप वशिष्ठ वर्ड से याद रखिए और जुग वर्ड है। ठीक है, सो जुग वशिष्ठ यहां पर बेसिकली जुग वर्ड को योग वर्ड से कनेक्ट किया गया है पर्शियन के अंदर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं मुगल्स का हमने जितने भी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी चीजें आपको समझ आ गई, बिकॉज मुगल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर। किस टाइप के क्वेश्चंस आए हमने वो भी देख लिए, क्वेश्चंस बैटल्स के ऊपर आए हैं, क्वेश्चंस पर्सनालिटीज के ऊपर आए हैं, क्वेश्चंस बेसिकली अलग अलग टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर आए हैं, राइट? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है किस पर्टिकुलर पर्सन का, किस पर्टिकुलर टाइम्स का, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बी थॉरो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मुगल एम्पायर्स। अगर एंटायर मिडिवल हिस्ट्री में अगर हमें दो टॉपिक पढ़ना है तो इट वुड बी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, आप बाकी सब छोड़ सकते हैं, ये दो चीजें बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वॉज फ्रूटफुल एंड आपको कुछ न्यू चीजें यहां पर सीखने को मिली होंगी। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू प्लीज पास इट ऑन टू योर फ्रेंड्स एंड यू नो जो कलीग्स हैं हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दिस वीडियो कैन हेल्प देम गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।